रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मुंबई के बाद दिल्ली पर मानसूनी बारिश की तैयारी, सरकार ने कहा डूब ना जा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बारिश में दिल्ली की सड़कों पर जलभराव ना हो इसके लिए रणनीति तैयार की है। सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने सभी एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं कि बारिश के दौरान जलभराव ना हो इसके लिए पूरी तैयारी कर लें। दिल्ली में जलभराव ना हो इसके लिए सरकार ने की तैयारी। फाइल फोटो। एक तरफ जहां मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में दिल्ली में अच्छी बारिश की संभावना जताई है, वहीं दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली डूब ना जाए इसके लिए रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार ने की सड़कों पर जलभराव ना हो इसके लिए मंगलवार को कई निर्देश जारी किए। सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने सभी एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं कि बारिश के दौरान जलभराव ना हो इसके लिए पूरी तैयारी कर लें। वहीं पीडब्ल्यूडी को जलभराव की शिकायतों को दूर करने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाने को कहा गया है। सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया। दिल्ली सरकार ने जलभराव की शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। दिल्ली के लोग जलभराव की शिकायतें 1800-11-00093 नंबर पर फोन करके या 81,30,18,822 नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए दर्ज करा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी ने एक मानसून कंट्रोल रूम भी बनाया है। यहां 1,80,01,10,093 नंबर पर फोन करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सरकार की ओर से एक मेल आईडी भी जारी की गई है। चिन्हित किए गए इलाके पिछले सालों में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हुए जलभराव को ध्यान में रखते हुए कई इलाके चिन्हित किए गए हैं। इसके आधार पर विभिन्न इलाकों में टीमें बनाई गई हैं। वहीं विभिन्न एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे जलभराव ना हो इसके लिए कदम उठाएं। सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि बारिश के दौरान कहीं से जलभराव की शिकायत आती है तो प्राथमिकता के आधार पर इन शिकायतों पर कार्रवाई की जाए। वहीं सभी कॉल सेंटर्स को 24 घंटे चलाने के लिए कहा गया है।